नमस्ते, मैं डॉक्टर दिव्या सुरेंद्रन, वैज्ञानिक डी मौसम केंद्र भोपाल। प्रदेश के मौसम के बारे में देखा गया तो पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के काफी जगहों में बारिश और थंडरस्टॉर्म दर्ज किया है। वेस्ट एमपी में देखा गया तो स्कैटर्ड रेनफॉल हुआ, 28 डिस्ट्रिक्ट से थंडरस्टॉर्म दर्ज किया है। सबसे ज्यादा बारिश हुआ भिंड में, 85 मिलीमीटर हेवी रेनफॉल है। और ईस्ट एमपी में देखा गया तो स्कैटर्ड रेनफॉल हुआ, 11 डिस्ट्रिक्ट से थंडरस्टॉर्म दर्ज किया है। सबसे ज्यादा बारिश हुआ शिवनी डिस्ट्रिक्ट में, 70 मिलीमीटर हेवी रेनफॉल है। और टेम्परेचर का देखा गया तो वेस्ट एमपी में हाईएस्ट टेम्परेचर नीमच में रिपोर्ट हो गया, 37.1 डिग्री, और ईस्ट एमपी में निवारी में 39.9 डिग्री दर्ज किया है। अभी के सिस्टम के बारे में देखा गया तो मानसून ट्रफ का पोजीशन अभी सेंट्रल इंडिया से थोड़ा ऊपर चली गई है। अभी यहाँ पे पोजीशन देखा गया तो जैसलमेर से वो ग्वालियर, सॉरी शिवपुरी से डाल्टनगंज, ऐसे एमपी के नॉर्थर्न साइड से पास हो रही है। और साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक नॉर्थ ईस्ट राजस्थान के ऊपर है 1.5 किलोमीटर में। और साउथ राजस्थान में जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन कल था वो अभी कच्छ की साइड शिफ्ट हो गया 1.5 किलोमीटर में, वो भी परसिस्टेंट है। और ईस्ट यूपी से एक ट्रफ लाइन पास हो रही है आसाम के ऊपर, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन। ये है हमारे रीजन में मतलब मेजर जो वेदर देने वाले सिस्टम। अभी ये सिस्टम के हिसाब से हमने आने वाले दिनों के लिए फोरकास्ट और चेतावनी जारी किया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं अभी ज्यादातर बारिश एक्चुअली साउथ साइड में मतलब साउथ टू सेंट्रल साइड में मेनी प्लेसेस में बारिश होने का चांसेस है, लेकिन सेंट्रल रीजन में मोस्टली फ्यू प्लेसेस में चांसेस है। अभी हेवी रेनफॉल का वार्निंग भी हम मोस्टली नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में दिया है, पन्ना, सतना, रीवा, माउगंज ये रीजन में, और साउथ में नर्मदापुरम, पांडुना, बैतूल, छिंदवाड़ा, शिवनी, बालाघाट ये रीजन में भी हेवी रेनफॉल का चांसेस है। और कल का स्थिति देखा गया तो ये और थोड़ा स्प्रेड हो रही है बारिश, ऑलमोस्ट नॉर्दर्न साइड में शिफ्ट हो रही है। सो ग्वालियर चंबल रीजन में और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी में जैसे सतना, रीवा, माउगंज, मैयर, सिद्धी, सिंगरौली, जैसे ईस्ट यूपी के मतलब बॉर्डर लाइन डिस्ट्रिक्ट्स में कल मतलब हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल का चांसेस है। और उधर ज्यादा मेनी प्लेसेस टू मोस्ट प्लेसेस में बारिश होने का चांसेस है। और सेंट्रल रीजन में भी और साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट रीजन में मेनी प्लेसेस में बारिश का चांसेस है। और कल हमने ये नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में जैसे रीवा, सिद्धी, मैयर ये रीजन में हम हेवी टू वेरी हेवी बारिश का ऑरेंज अलर्ट दे रही हो। बाकी सतना और माउगंज, सिंगरौली और निवाड़ी, मुरैना, शिवपुरी, अशोकनगर ये रीजन में हेवी रेनफॉल का चांसेस है। बाकी सारे रीजन में भी थंडरस्टॉर्म के साथ साथ मॉडरेट बारिश का चांसेस है। और 12 तारीख को देखा गया तो ये स्प्रेड थोड़ा ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो रही है, मैक्सिमम मतलब मेनी प्लेसेस में बारिश होने का चांसेस ईस्टर्न साइड में, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट साइड में एमपी में ज्यादा रहेगा। और साउथ वेस्ट एमपी का बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल ये रीजन में भी मेनी प्लेसेस में बारिश का चांसेस है। और सारे डिस्ट्रिक्ट्स में थंडरस्टॉर्म का चांसेस अभी रहेंगे। और 13 तारीख को भी ये देखा गया तो डिस्ट्रीब्यूशन मोस्टली साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन में ज्यादा मतलब मेनी प्लेसेस में बारिश का चांसेस है। और साउथ वेस्ट एमपी का भी कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे खरगोन, खंडवा, हरदा, बुरहानपुर, देवास ये रीजन में भी मेनी प्लेसेस में बारिश का चांसेस है, और साथ साथ थंडरस्टॉर्म का भी चांसेस है। अभी देखा गया तो मानसून ट्रफ थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, सो मोस्टली एक्टिविटीज नॉर्थर्न एमपी में ज्यादा रहेगा मानसून रिलेटेड, लेकिन साउथ साइड और सेंट्रल साइड में अभी नमी तो अवेलेबल है और टेम्परेचर भी थोड़ा ऊपर साइड में जा रही है, इसलिए थंडरस्टॉर्म होने का काफी चांसेस है, इवनिंग शावर्स का भी चांसेस है। थैंक यू।